अगर हम बात स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 4 की, तो यह एक बात ध्यान देंगे आप, चैप्टर का नाम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। देखो इससे पहले जो हमने स्टडी किया है वो क्या पढ़ा है, विद्युत क्षेत्र पढ़ा है ना, वी के बारे में हमने स्टडी किया है, आई के बारे में हमने पढ़ा है, प्रतिरोध आर भी हमने पढ़ लिया, विशिष्ट प्रतिरोध रो भी हमने पढ़ लिया, उसके बाद संधारित्र की धारिता निकालनी भी हम लोगों ने पढ़ ली। क्लियर है इतनी बात। अब इसके बाद अब आप ऐसा समझे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समझ में आ पा रही है बात, इसका संबंध याद रखेंगे आप इस बी से जरूर होता है। ये ई क्या कहलाता है आपका, वैद्युत क्षेत्र, और ये बी क्या कहलाता है आपका, चुंबकीय क्षेत्र। आप ऐसा मान के चलेंगे कि ये दोनों सगे भाई हैं, क्या है, जहां पर छोटे वाले की बात होगी समय में बात, वहां बड़े वाला अपने आप पहुंच जाएगा, ठीक है, जहां बड़े वाले की बात होगी वहां छोटे वाला अपने आप पहुंच जाएगा। आ रही है बात समय में, नहीं आ रही है। अब आपने कई बार सुना होगा कि किसी ने बिजली का तार पकड़ लिया और वो चिपका रह गया, सुना कि नहीं सुना, है ना, क्या ऐसा कभी घर की लाइन में हुआ है, जैसे छोटा सा तार आ रहा है इसमें सुना हाथ लगा चिपका रह गया, नहीं, बड़ी लाइन में ही आपने सुना होगा कि 11,000 की लाइन थी उस पर हाथ लगाया उसी में चिपका रह गया, ठीक है, समझ में आ पा रही है बात। अब ध्यान देंगे आप क्या कि जब करंट, देखो अगर मैं बात करूं यहां पर किसी भी वायर के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, जैसे वायर है और मैंने आपको बताया ए टू बी करंट आई फ्लो होना स्टार्ट हो गया, क्लियर है, जब भी किसी तार के अंदर करंट प्रवाहित होना स्टार्ट होगा तो एक बात आप जरूर याद रखेंगे कि ये तार जो होगा अपने सराउंडिंग, नमस्ते भैया जल्दी आ करें भैया, अपने सराउंडिंग एरिया में क्या बनाएगा, एक क्षेत्र बना लेगा, क्या बना लेगा, समझ में आ पा रही है बात। अब इस क्षेत्र में क्या होगा, इस क्षेत्र के अंदर जो जितनी भी वस्तुएं आएंगी उन सबको ये आकर्षित कर लेगा, आगे बात समझ नहीं आ रही, तो समझ में आया आई, और यहां से जो बल लगेगा आकर्षण ये कहां से बना, तो एक बात आप ध्यान रखेंगे ई और बी आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ई से ही बी का जन्म होगा और बी से ही ई का जन्म, इतनी बात क्लियर है। चलो अब एक बात देखेंगे आप, फॉर नंबर 1 हिंट डालेंगे सबसे पहले, चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जो जानकारी दी गई थी वो किसने दी थी, ऑस्ट्रेलिया ने दी, किसने दी थी, उसके नियम भी मैं आपको बताऊंगा तो ऑस्ट्रेलिया के रूल क्या होते हैं, क्लियर है, उससे पहले हेडिंग लगाएंगे चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैं फिर आपको बता रहा हूं, भले दो ही पॉइंट पढ़ो, दो ही हेडिंग पढ़ो दिन में, है ना, लेकिन वो ऐसी पढ़ो कि अगले कम से कम 6-7 महीने तुमको उसको भूलने की जरूरत ना पड़े, वो आपको याद हो, समझ में आ पा रही बात या नहीं। चलिए अब देखो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, लिखना स्टार्ट कर लो पहले एक बार, देखो किसी चुंबक के, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चुंबक जिसमें कोई दूसरा चुंबक या कोई लोह चुंबकीय पदार्थ या कोई लोह चुंबकीय पदार्थ आकर्षण
बल का अनुभव करे। आकर्षण बल का अनुभव करे। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आकर्षण बल का अनुभव करे। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो इसके बारे में भी और पढ़ेंगे आगे, फिलहाल यहां पर इतना ही बोलते हैं। देखिए जरा नंबर दो पॉइंट डालेंगे, इसके बाद और हेडिंग डालेंगे आप, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान। आवेशित कण पर लगने वाला क्लियर है, समझ पा पा रही है? अब देखो दो चीजें आप ध्यान रखेंगे, क्या आपके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दो ही क्वेश्चन आपके सिलेबस में आएंगे। इधर को जब थोड़ा सा पीछे लास्ट में इधर हो जाओ, देखो मैग्नेटिक फील्ड में से जब न्यूमेरिकल आएगा तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है क्या, कि या तो वो कोई पार्टिकल होगा। पार्टिकल कौन होता है? जिसके अंदर द्रव्यमान हो, है, और क्या हो बोलो, जिसके अंदर वेग हो। समझ में आ गया? या तो वो पार्टिकल होगा कण, क्या बोलेंगे इसको, कण, ठीक है, या फिर वो क्या होगा, तार होगा जिसकी लंबाई कितनी होगी, करंट कहां बहेगा, कण में या तार में, बोलो, सीधी सी बात है, करंट कहां बहेगा, तार। आगे बात समझ में? तो दो तरीके के क्वेश्चन आपके सामने बनेंगे, एक तो बनेगा पार्टिकल के रूप में, और जैसे ही कण का नाम आएगा आपके सामने कि इतने किलोग्राम का कण या पत्थर रखा हुआ है, समझ में आएगा? तो दो चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, क्या कि कण है तो कण के अंदर द्रव्यमान होगा, कुछ भी होगा, दूसरी बात कण के पास वेग होगा, यानी कण गति करेगा जबकि तार गति ऐसा थोड़ी भागा फिरेगा सारे में। आ रही है बात समझ में? अगर तार की बात होगी तो तार के अंदर क्या होगा, बोलो, धारा होगी, क्या होगी, धारा। आगे बात समझ में? अब सवाल ये बनता है क्या कि कण को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रख दे, तार को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रख दे, मान ले बहुत बड़ा चुंबकीय क्षेत्र है ये सारा का सारा, एक बार हमने पार्टिकल को रख दिया और एक बार हमने तार को रख दिया, तार लंबाई क्या है, एक बार पार्टिकल को रख दिया और एक बार इस तार को रख दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, समझ में आया? तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, अभी अभी पढ़ा हमने चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, आवेशित कण के ऊपर क्या लगाता है, बल लगाता है, तो इन दोनों के ऊपर बल एफ लगाएगा। अब सवाल ये है कि कण के ऊपर लगाया गया एफ कितना होगा और तार के ऊपर एफ लगाया हुआ कितना होगा, आ रही है बात समझ में? तो दोनों ही चीजें मैं आपको यहां पर करा रहा हूं। इसके बाद जब भी आप न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे तो एक ही बात आपको सबसे पहले समझनी है, क्या कि तार की बात हो रही है या कण की बात हो रही है, कोई दिक्कत किसी को पीछे, समझ में आ गई बात? ठीक है, अगर कण की बात होगी तो ऐसे करेंगे, आ जाओ सामने, देखो देखेंगे, माना यहां पर मैंने मानी कि माने आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, क्षेत्र के साथ
थीटा कोण बनाते हुए रखा है। सामने जान देंगे कण पर लगने वाला बल, अब इस बात को आप याद रखिएगा, अगर कण की बात हो रही है समझ में आ रही बात है, आवेशित कण क्यों है, एफ बराबर पी क्यू पी साइन, इतना याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो एफ बराबर सारे ऐसे बोलो एफ बराबर एफ बराबर एफ बराबर बी क्यू बी बी क्यू बी बी क्यू बी एफ बराबर बी क्यू बी बी क्यू बी साइन थीटा साइन थीटा जहाँ एफ लगाया गया बल बी चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र क्यू कण का आवेश वी कण का वेग और थीटा कण और कण के वेग के बीच बना कोण। ये बात सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। जहां बी बराबर क्यू बराबर वी बराबर और थीटा क्या होगा, कण तथा कण के वेग के बीच बना कोण। समझ में आ गया, बी क्या होगा बोलो, और ये क्या होगा कण का आवेश, लिख देंगे अरे लिख देंगे ना कण का आवेश। अच्छा बल है तो मात्रा न्यूटन ही आएगा, बी क्या है कण का, ये बात याद रहेगी। एक बार और नोट करके लिखेंगे इसे, लॉरेंज बल भी कहते हैं, लॉरेंज बल भी कहते हैं। बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी, जल्दी से बताइए, क्लियर बात समझ में आ रही है। इसको क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होगा, लॉरेंज बल। अगर कण की बात होगी तो आप देखो याद कैसे रखेंगे, मैंने आपको क्या बताया, जैसे कण का आपने न्यूमेरिकल के अंदर पढ़ा कण, या फिर तार नहीं है कुछ और भी है, तार नहीं है कुछ भी दे दिया हो, पार्टिकल पत्थर कण कुछ भी, समझ कोई वस्तु दे दी, समझ में आई बात है नहीं, तो वहां पर एक बात याद रखेंगे कि अगर कण की बात हो रही है तो कण के अंदर एम होगा, और कण पे जब बल, कण पे जब बल लगेगा तो कण आगे को चलेगा, यानी कण के अंदर वेग भी हो गया, समझ में आई बात। और जहां पर वेग होगा वहां पर सीधा सीधा की फॉर्मूला लगेगा, एफ बराबर बी क्यू बी साइन थीटा। बात समझ में आई, क्लियर है, आगे बात समझ में। अगर मैक्सिमम बल आपसे पूछ ले तो साइन थीटा की वैल्यू वन हो जाती है, आप जानते हैं, तो फॉर्मूला रह जाता है केवल क्या, एफ मैक्सिमम बराबर बी क्यू वी, बस साइन थीटा वहां पर आप यूज नहीं करें, क्योंकि मैक्सिमम की बात आती है तो साइन थीटा कितना हो जाता है, एक ही हो जाता है साइन नब्बे, समझ में आएगा। अब दूसरी बात कर, देखो अगर हम बात करें क्या तीसरा पॉइंट हो जाता है, एक समान यह हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, पहले इसको सामने देख लो, चुंबकीय क्षेत्र में रखे ऐसे लिखेंगे, रखे आवेशित चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, क्लियर है। तो देखो जरा, अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना जरा सामने, माना एल लंबाई का एक चालक तार, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र के साथ थीटा कोण, अरे भाई समझ में आ रहा है ना सभी को, बनाते हुए रखा है,
क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? yes, तुम्हें समझ में आनी चाहिए बात, ठीक है? कहीं भागते हुए मैराथन नहीं जीतनी है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, भले एक पॉइंट पढ़ो लेकिन वो क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है? तो देखिए जरा, अगर मैं बात कर दूं, लो जी ये एक तार है आपके पास, इसकी लंबाई कितनी कह दी गई? आगे बात समझ में। और देखिए जरा, अगर मैं बात करूं एफ बराबर, अगर मैं यहां पर बोलूं कण पर लगने वाला चालक तार पर लगने वाला बोलो एफ बराबर कितना हो जाएगा? अब देखो इसके अंदर क्या आई और एल है, जबकि यहां पर क्यू और क्या था? बी था भाई, क्यू था और बी था, है ना? तो एफ बराबर क्या बनेगा? बी आई एल साइन थीटा, साइन थीटा। आज ये बात समझ में नहीं आती? बोलो जरा, क्लियर बात समझ में आई? ठीक है, तो समझ में आया? बोलो अगर ये बोलो चालक तार, चालक तार, चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल, एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा। अब यहां से एक बात समझो, आप बोलोगे जी हमने बल निकालना तो सीख लिया है, इन फॉर्मूलों को लगा के आप एफ का मान निकालते हैं, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, ठीक। अब यहां से एक बात ये सामने आती है क्या, कि भैया एफ तो सदिश राशि है, क्या बताया मैंने आपको? एफ कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो इस एफ की कोई दिशा भी तो होगी, जब आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा तो सीधा सीधा बल का मान नहीं पूछेगा, ये सारी चीजें आपको दे देगा वो, बल का मान तथा दिशा बताइए, तीन नंबर में सवाल आएगा, डेढ़ नंबर का बल का मान होगा और डेढ़ नंबर की केवल और केवल दिशा होगी। आपने अगर दिशा नहीं लिखी तो डेढ़ की जगह हो सकता है दो नंबर भी आपके साफ हो जाए। आगे बात समझ में क्या? क्लियर बात समझ में? इसलिए एग्जाम हॉल के अंदर बैठ के क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है कि उसने हमसे पूछा क्या क्या है। कुछ बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में क्या करते हैं पता है, क्वेश्चन को पढ़ा और ये तो हमको आता है, ये तो हमारे भैया ने करा रखा है, और तुरंत तुरंत फटाफट उसको लिख दिया, उसको पूछा ही नहीं वो पूछ क्या रहा है पूरा। पहले उसको ढंग से पढ़ो कि उसने क्या क्या चीजें आपसे पूछी गई है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो देखो जरा ऐसे एफ हो गया। अच्छा एक बात मैंने बी बताई आपको, चुंबकीय क्षेत्र, समझ वाली बात, चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता है, यह भी सदिश राशि है और ये भी सदिश राशि है, समझ वाली बात। तो एक सवाल अब हमारा ये बनता है कि एफ का मान तो निकाल दिया, एफ की एक तो दिशा बताओ, दिशा कैसे निकलेगी, क्लियर है? और एक दिशा बताओ आप बी की, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे हम निकालेंगे। तो अगर हम बात करें दिशाओं के बारे में, चुंबकीय बल एफ और चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशाओं के बारे में, कौन बताएगा कैसे निकालेंगे दिशा? जल्दी से बताओ, तुमने पढ़ रखा अपने स्कूल में चैप्टर, ये समझ में आया नहीं आया पहले बताओ? आ गया समझ है जी? नहीं आया? अभी बात करते हैं। देखो जरा, वैल्यू तो यहां से हम निकाल सकते हैं, अगर हम दिशा की बात करें तो देखो दिशा किसने बताई हमको? एक साइंटिस्ट है फ्लेमिंग, समझ में आ रही है बात? यानी उन्होंने अपनी उंगलियों और अंगूठों के आधार पर हमें दिशा को निकालना बताया। क्या निकालना बताया? दिशा को। एक तो उन्होंने देखो सुनो ध्यान से, अगर मैं बात करूं ये कौन सा हैंड है? राइट हैंड, दाया हाथ है, और ये कौन सा है? लेफ्ट हैंड। तो उन्होंने बाएं हाथ का नियम बताया और दाएं हाथ का नियम, यानी राइट हैंड रूल बताया और लेफ्ट हैंड रूल बताया। समझ में आ पा रही है? अब पहला सवाल यहां से ये बनता है कि कौन से हाथ से कौन सी दिशा निकाले हो? ये बहुत बड़ा झोल है जो अक्सर 99% बच्चे एग्जाम हॉल में बैठ के गड़बड़ करते ही करते हैं। समझ में आएगा? ठीक है, और जब मैं पढ़ता था तो मैं भी इस चीज के चक्कर में मैं समझ नहीं पाया, तो जब मैं पढ़ता था मैंने तभी एक फॉर्मूला बना लिया था याद करने के लिए, एक तो मैं कहीं और नहीं मिलेगा फिर बता रहा हूं, चाहे किसी किताब में कहीं देख लेना, ये मेरा अपना बनाया हुआ तरीका है और इसको मैं तुम्हें दे रहा हूं आज,
ठीक है। और आज के बाद तुम भी कभी नहीं भूलोगे कि एफ कहां है और बी कहां है। समझ में आई बात? देखो सुनो ध्यान से, अब सुनते रहना मेरी बात ध्यान से। ये क्या लिखा हुआ है? Facebook. अरे क्या लिखा हुआ है? Facebook. आवाज नहीं आई? Facebook. Facebook लिखा हुआ है? Yes, sir. जानते हैं सभी Facebook को? Yes, sir. जानते हैं सभी? चलो इसको हम FB भी बोल देते हैं। Yes, sir. Yes, sir. बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? Yes, sir. अरे हाला बोलो। Yes, sir. FB बोलते हैं ना? Yes, sir. अब इधर आ जाओ, देखो ये कौन सा हाथ है? बाया। ठीक है, इससे लगा तुम बोलोगे कातिया का हाथ है। और ये कौन सा हाथ है? दाया। बोलो दाया। अरे राइट हैंड है। यस सर। अब आपको एक बात याद रखनी है बस, केवल क्या बोलो? एफ एफ बी बी एफ एफ किस हाथ पे कौन रहेगा? एफ रहेगा। और किस हाथ पे कौन रहेगा? बी। अरे नहीं समझ में आया क्या? अरे आया क्या नहीं आया? आया क्या नहीं आया? क्या हुआ जल्दी बता, मेरे हाथ भी दुख रहे। आया समझ में नहीं आया? यस सर। क्या काम है ने? इस पर एफ रहेगा। हाँ, और इस पे बी। यानी एफ रहने का मतलब ये है लेफ्ट हैंड से आप क्या करेंगे? एफ की दिशा निकालेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की अगर बात होगी तो याद रखना एफ की दिशा निकाली जा रही है। किसकी दिशा निकाली जा रही है? एफ बी एफ बी। अगर हम बात करेंगे दाएं हाथ की राइट हैंड रूल की तो याद रखना इस हाथ पे कौन आ रहा है? बी। ऐसे याद रखना एफ। उल्टे हाथ पे कौन है? F. तो उल्टे हाथ से हमेशा याद रखना किसकी दिशा निकलेगी? बल की दिशा निकलेगी। और सीधे हाथ पे कौन है बोलो? बी। बी है क्या नहीं है? yes, तो सीधे हाथ से किसकी दिशा निकलेगी बोलो? बी की दिशा। समझ में बात? ये जब मैं आपको नियम पढ़ाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि कैसे कैसे हम निकालेंगे। लेकिन पहली बात जो बच्चे गलती करते हैं वो यही करते हैं कि कौन से हाथ से कौन सी दिशा निकले। बच्चे तो बच्चे मास्टर भी रले करते हैं क्वेश्चन में जब आते हैं। समझ में बात? तो जहां पर फंसने के ज्यादा चांस है मैंने पहले वही बात आपको बताई। एक ही नाम याद रखेंगे एफ बी याद रहेगा। उल्टे हाथ पे एफ है तो उल्टे हाथ से एफ की दिशा निकलेगी। सीधे हाथ पे बी है तो सीधा आपकी बी की दिशा निकलेगी। इतनी सी बात समझ में आई? yes, इतनी बात yes, तो आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया बताना जल्दी से जरा। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या कराया? चुंबकीय क्षेत्र में। और चुंबकीय क्षेत्र में मैंने आपको ये बताया कि किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र सराउंडिंग एरिया का किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र। अब ये क्षेत्र इसकी आकृति पर निर्भर करता है। जैसे ये पेंसिल टाइप है ना, तो क्षेत्र भी कैसा बनेगा? अगर ये गोल है तो क्षेत्र भी कैसा बन गया? समझ में आ पा रही मेरी बात? बताऊंगा मैं आगे या करके आ गया। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र समझ में आ गया। आगे बात समझ में? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है अभी करूंगा आगे। वैसे टेस्ला होता है, क्या रखेंगे? टेस्ला। सुनिए ना अपनी ऑटोमेटिक गाड़ी आ रही है अभी, सुना तुम लोगों ने? ऑटोमेटिक yes, कार आ रही है टेस्ला yes, की टेस्ला के नाम से। बैटरीज आ रही है टेस्ला के नाम से जिनकी लाइफ टाइम 10-10 साल है। इन्वर्टर के बैटरी होते हैं yes, इतने साल चलते हैं 3-4 साल। लेकिन टेस्ला की जो बैटरी वो कैसी आ रही है? 10-15 साल चलती है। ऑटोमेटिक गाड़ी आ रही है वो भी मैग्नेटिक फील्ड पे है। आपको गाड़ी में बैठना है बस, केवल चाबी लगा देंगे बात खत्म। गाड़ी तुम्हें अपने आप लेके जाएगी, तुम्हें जहां भी जाना है फील्ड कर दिया, फलानी जगह जा रहा है, लोकेशन डाल दी, छुट्टी। रास्ते में जाम आ रहा है, अपना आप ब्रेक मारेगी, अपना आप स्पीड बढ़ाएगी, अपना आप गियर चेंज करेगी, सब कुछ गाड़ी अपने आप करेगी। समझ में आ पा रही बात? वो सारा चक्कर मैग्नेटिक फील्ड का है। ठीक है, वो अपना ब्रेक मारेगी कोई सामने आ गया तो सेंसर के जरूरी। आई बात समझ में? दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया? क्या बताया दूसरा पॉइंट? अगर कण के बारे में बात होगी तो फॉर्मूला एक ही लगेगा, बराबर बी क्यू साइन थीटा। ठीक है, अगर तार की बात होगी तो फॉर्मूला क्या लगेगा? एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? और लास्ट बात मैंने आपको बताई कि एफ और बी की दिशा निकालने के लिए आपको एक ही बात याद रखनी है, एफ बी। उल्टे हाथ पे एफ लिखा हुआ है
उल्टा से किसकी दिशा निकालेंगे? बल की दिशा। और सीधे हाथ पे बी लिखा हुआ है तो सीधे हाथ से किसकी दिशा निकालेंगे? चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा। दिशा निकलेगी कैसे कैसे इसको मार देंगे। क्लियर है इतनी बात? इसको कॉपी करना स्टार्ट करें, वहां से लिखना स्टार्ट करें। एक बार फिर आपको बता रहा हूँ।